आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो हमारे रिंगनेक पैरट के एग्स, रिंगनेक पैरट के 4 अंडे। आप देख सकते हैं इन्होंने कितना बढ़िया नेस्ट बॉक्स बनाया अपना। तो हम लोग जो स्क्वायर बाय वाला नेस्ट बॉक्स बनाते हैं उससे ये कहीं अच्छा है, क्योंकि इसमें जो है अंडे हैं वो इधर उधर नहीं जाते, उनको टेम्परेचर पूरा मिलता है और जो बच्चा है वो भी अपनी मदर के नीचे ही रहता है, जिससे उसको पूरी प्रॉपर हीट मिलती है। तो हमें भी ट्राई करना चाहिए कि इस तरह से नेस्ट बॉक्स बनाएं। तो मैं ट्राई करूंगा फ्रेंड्स इस बार कि मैं अपना जो ब्रीडिंग पेयर है ना उसमें इस तरह का नेचुरल नेस्ट बॉक्स बनाएं, ताकि उस पर पता चल सके कि किस तरह का जो है रिजल्ट आता है। ये इंडियन पैरट के जो हमारा सिंपल ग्रीन कलर का पैरट होता है उसके जो है एग्ज हैं, 4 एग्ज ले किया उन्होंने, और इसकी मैं अपडेट भी आपको आगे डालूंगा कि उसके बच्चे कितने बड़े हो गए हैं। ये हमारे फार्म हाउस पे एक नीम छोटा जो अंदर से थोड़ा खोखला रहता है, नीम नहीं है इसमें, अब हिंदी में उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, तो उसमें इजिली होल हो जाता है बीच में। तो आप देख सकते हैं उसमें इन्होंने अपने एग ले किए हैं, 4 एग हैं इनके। तो जब बच्चे निकलेंगे वो भी मैं वीडियो आपको शेयर करूंगा इसकी। तो अब आप दूर से देख लीजिए कैसे हैं इसके, कौन सा जो है कितनी, ये कम से कम तीन फीट इसकी जो है गहराई है, 3 फीट होगी कम से कम। हम लोग अपने नेस्ट बॉक्स में देखिए वो लगाते हैं, जाली लगाते हैं कि पैरट अंदर गिरेगा अंडा फूट जाएगा। ये देखिए आप कुदरत की चीज देखिए आप, नेचुरल, इसमें कुछ नहीं। और ये जो है कम से कम 5-6 इंच इसकी जो गोलाई है वो 4-5 इंच गोल है। तो आप देख सकते हैं कि हमसे ज्यादा वो समझदार हैं, तो हमें कुछ ना कुछ नेचुरली कॉपी करनी चाहिए। ऐसा ही है कि हम लोग देख नहीं सकते कि बच्चा निकाल नहीं सकते, तो हम अंदर से देख सकते हैं इनको, लेकिन ये नेचुरल फीलिंग आती है ऐसे। तो मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। तो जैसे इसके बच्चे आएंगे मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। ये देखिए ये इतनी गहराई पे है इनके, यहाँ पे कम 3 फीट होगा इसका एरिया। तो ठीक है फ्रेंड्स, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।